नमस्ते प्रणाम छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज मैं ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 9:15 बजे से। तो आज भी वही हाल है दिल्ली के प्रदूषण का। धुंध लगी हुई है, सूर्य भगवान जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। वही है, बच्चों की छुट्टी बढ़ा दी गई है यहाँ पे प्राइमरी स्कूलों की, 10 तारीख तक कर दी गई है। उसके बाद दीपावली की छुट्टी है, तो ऐसे ही चल रहा है मेरा भी। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आटा मैंने गूंद लिया है। सक्षम के पापा आज सुबह सुबह मैंने भेजे थे कहाँ, मंडी भेजे थे, क्योंकि सब्जी घर पे उपलब्ध नहीं थी कुछ भी। तो कल भी वो मार्केट गए थे तो लेट से आए, नहीं जा पाए। तो सुबह मैंने उन्हें 6:30 बजे उठा करके मैंने कहा सब्जी नहीं है क्या बनाऊंगी, तो वो सब्जी लेके आए हुए हैं। ये सब्जी देखो, मंडी खोली है हमने यहाँ पे। तो संजू भैया और वो गए थे, दोनों धड़ी के हिसाब से लेके आए, तो 50-50 उन्होंने बांटा। तो मैं दिखाती हूँ कितनी सब्जियाँ लेके आए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। इसमें गोभी है, आलू है, शिमला मिर्च है, खीरा है, ये मिर्ची है सब्जी वाली, ये लौकी है, ये बैंगन है, ये मिर्च है हरी मिर्च, ये अदरक है, ये कड़वा करेला है, ये धनिया है, इसमें टमाटर है और इसमें आलू है। बाकी चीज़ें कहाँ हैं, बस इतनी ही चीज़ें हैं। बाकी प्याज मैंने यहाँ निकाल के रख दिए हैं। तो हमारे पास आज सब्जी सब्जी है, सब्जी ले लो, हर माल सस्ता, 10 रुपये किलो गोभी, 10 रुपये किलो गोभी। और देखो सक्षम की दादी घूमने के बजाय यहाँ पे लेटी हुई है, ये देखो। ये मैं आज दूध लेने गई थी, वो टप अंदर आ गई ना, तो 9:30 बजे से पहले मैं इनके अंदर आने की अनुमति नहीं देती हूँ। इन्हें कहती हूँ घुमा करो ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मुझे भी आराम मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा, लेकिन वो मानते नहीं हैं। ये देखो ये लेट गए हैं देखो। और ये है सक्षम, इसकी भी छुट्टियां हैं, इसका भी आनंद मंगल हो रहा है पढ़ाई की तरफ से, जय सियाराम। अब भूख 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 दिन भर। और सक्षम के पापा का यहाँ पे पानी लगा हुआ है, गर्म पानी, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, अब ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत नहीं रह चुकी है। गर्म पानी हम लोग नहाने लग गए हैं गर्म पानी से, तो इस बाल्टी में गर्म पानी हो रहा है देखो। और उनके लिए लेट भी होने वाला है देखो। घड़ी के पापा गए हैं नहाने के लिए, तो मैं भी करती हूँ किचन का काम। यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी भैया के लिए, चाय भी तरी है और दूध, इसमें मैंने अपने लिए पानी बॉईल किया हुआ है। तीनों गैस बिजी है मेरे, अभी ने फटाफट से हटा करके ये मैंने प्याज रखे हुए हैं। अब क्या बनाऊँ जल्दीबाजी में सब्जी, फिर डिसाइड कर दूँ जल्दी से। चाय नहीं दी मैंने आपको, चलो मैं उसे चाय भी दे देती हूँ फिर। आपका क्या नाम है? सक्षम। आपकी मम्मी का क्या नाम है? पूजा देवी। आपके पापा का नाम? संदीप सिंह। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पहले मैं। आपके स्कूल का नाम? आदर्श। आदर्श शिक्षा शिशु निकेतन। ओके, आपकी मैम का नाम? पूजा देवी। नो बेटा, मैम का नाम? मैम का नाम पूजा यादव। ओके, आपके गांव का नाम? संदीप सिंह। गांव का नाम? गांव का नाम हाँ। प्यार से बोलो बेटा। जलभंग। आपके जिले का नाम? चमोली। आपके राज्य का नाम? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। ओके, आपके देश का नाम? देश का नाम? देश का नाम क्या है आपके देश का नाम? देश का नाम सिपाही। आपके देश का नाम? भारत। भारत की राजधानी? देहरादून। नई दिल्ली? नई दिल्ली। ट्वेल्व मार्क है। हाँ, हमारा गोत्र? सोनलिया। सरनेम? बसवार। ओके, हमारा धर्म? सोनलिया। धर्म? धर्म हिंदू सनातन। ओके, तो दोस्तों हम मीनू दीदी को करनी थी साड़ी की शॉपिंग, इस वजह से हम मार्केट आए हुए हैं आज। मीनू दीदी को साड़ी तो पसंद आ नहीं रही है, ये वाली साड़ी तो हमें फिर भी पसंद आई है जो दीदी देख रही है, पर इतना नहीं आया हुआ है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है इसका, 5000 रुपये बता रहे हैं। यहाँ डमी पे जो साड़ियाँ हैं वो तो तभी थोड़ा ठीक है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मैंने सोचा चलो आपसे भी शेयर करूँ साड़ियाँ, आपको कौन सी पसंद आ रही है। तो
ये तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ये तो जो दूसरी वाली है डमी पे लगी हुई, ये तो तब भी अच्छी थी, बट मीनू दी को ये पसंद तो आई थी, लेकिन इसमें कलर और दूसरा नहीं था। डिजाइन ये पसंद आया था, बट इसमें कोई और दूसरा कलर नहीं था जो उन्हें चाहिए था। तो यहाँ पे साड़ियाँ ही साड़ियाँ दिखा रहे हैं, और लोग भी बहुत ज़्यादा साड़ी की ख़रीदारी करने आए हैं। त्योहारों का सीजन है और शादियाँ भी आने वाली हैं, तो ये वाली साड़ी वर्क के हिसाब से और कलर के हिसाब से तो पसंद आई थी, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 5000 रुपये। तो ली नहीं हमने ये साड़ी, यहाँ पर साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं, अभी तो पसंद कोई भी नहीं आई उस हिसाब से, सारा ओल्ड फैशन है। लेकिन देखो कोई समझ में आएगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी, अभी तक तो कोई भी साड़ी हमें पसंद नहीं आई है।